मैं डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, राजनीति शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज एमए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 202 का विषय यथार्थवादी सिद्धांत, जो हंस जे मार्गेंथो द्वारा प्रतिपादित है, उस पर चर्चा करूंगा। यथार्थवादी विचारधारा 18वीं और 19वीं शताब्दी में ट्रिट्स्के और नीत्से ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसके बाद एरिक कॉफमैन, फ्रेडरिक वाल्किंस, हेरोड लैसवेल, डेविड ईस्टन आदि राजनीतिक विचारकों ने राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी विचारधारा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया। इन सभी ने शक्ति राजनीति पर विशेष बल दिया। यथार्थवादी सिद्धांत का सबसे विस्तृत और व्यवस्थित रूप से अध्ययन प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और विद्वान हंस जे मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में किया। मार्गेंथो ने अपने सिद्धांत में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया, इसलिए इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। मार्गेंथो का मत है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की महत्ता पर बल देने के कारण मार्गेंथो का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। मार्गेंथो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शांति की ओर संचालन न मानकर राष्ट्रों के मध्य संघर्ष मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को शक्ति द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। इससे राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष का जन्म होता है तथा यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है तथा वास्तविकता है। उसके शब्दों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति तथा अन्य सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। मार्गेंथो ने अपनी यथार्थवादी सिद्धांत का को स्पष्ट करने के लिए 6 सिद्धांत दिए हैं, जिसके कारण उसके सिद्धांत को 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिस्टिक थियरी भी कहते हैं। इसका पहला सिद्धांत है मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। मार्गेंथो राजनीतिक यथार्थवाद के पहले नियम में लिखता है कि राजनीति सामान्य समाज की तरह उस वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। इसका दूसरा सिद्धांत है राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। मार्गेंथो का कहना है कि शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। यह धारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के कारण तथा समझने योग्य तथ्यों के मध्य संबंध स्थापित करती है। इतिहास भी इस विचार का पूर्णतया समर्थन करता है कि कोई भी राष्ट्रीय हित जिसके पीछे शक्ति नहीं होती, केवल कागजों पर या कल्पना में ही अस्तित्व रखता है तथा राष्ट्रों ने सदैव शक्ति के आधार पर कार्य किया है। विदेश नीति के निर्माता सदैव शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं
तथा इसी आधार पर नीति निर्माण करते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद मानता है कि राजनीतिज्ञ शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते तथा कार्य करते हैं, तथा इतिहास इस पूर्व कल्पना का साक्षी है। राजनीतिज्ञों ने कैसे कदम उठाए हैं तथा भविष्य में कौन से उठाएंगे, इनका यथार्थ विश्लेषण करने के लिए यही सिद्धांत सहायता करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत यह परवाह नहीं करता कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। वह तो केवल उन्हीं संभावनाओं की ओर ध्यान देता है जो किसी राष्ट्र विशेष के काल और स्थान की किन्हीं ठोस परिस्थितियों के अंतर्गत आती है। यथार्थवादी सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है कि हित सदैव परिवर्तनीय है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक। राजनीतिक यथार्थवाद यह मानता है कि राष्ट्रीय हित ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सार है, परंतु फिर भी राजनीतिक यथार्थवाद शक्ति पर आधारित राष्ट्रीय हित के विचार को किसी शाश्वत अथवा सदैव के लिए निश्चित दृष्टिकोण से नहीं बांधता। मार्गेंथो का मत है कि परिस्थितियां उन राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती है जिनके आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। अतः बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में राष्ट्रीय हित का स्थान और समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी इतिहास के किसी भी विशेष काल में राजनीतिक कार्यों को निश्चयात्मक रूप देने वाला उन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रकरणों पर आधारित रहता है जिनके मध्य विदेश नीति का निर्माण होता है। इसका चौथा सिद्धांत है कि अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल्स cannot be applied to politics। राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, परंतु उसका यह दृढ़ विश्वास है कि सर्वमान्य स्वरूप के रूप में उन्हें राज्य कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्हें समय और स्थान की ठोस परिस्थितियों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए और परिस्थितियों के अनुकूल उसका चयन करना चाहिए। यथार्थवाद की मान्यता है कि राष्ट्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर करना चाहिए। बिना विवेक के राजनीतिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। इसका पांचवा सिद्धांत है कि विश्व व राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम भिन्न भिन्न होते हैं, डिस्टिंक्टिव लॉज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बिहेवियर। राजनीतिक यथार्थवाद सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को राष्ट्र के नैतिक मूल्यों से अलग मानता है। किसी सार्वभौम नैतिक कानून का पालन प्रत्येक देश के लिए अवश्य ही लाभदायक होगा, यह सही नहीं है। यह भी संभव है कि वह उस राष्ट्र के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर दे। नैतिक सिद्धांतों के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान कर देना किसी भी व्यक्ति के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नैतिकता की तिलांजलि दे देने को भी इतिहासकार उचित नहीं मानते। ये दोनों ही अतिवादी हैं और बचाव का उपयुक्त मार्ग यही है कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों की दिशा में अग्रसर हो। यथार्थवादी सिद्धांत का छठा सिद्धांत है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को मान्यता देता है। इसमें राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति के प्रयोग